लाख का बजट भी दिया है कि चूहे मारने के लिए 12 लाख का बजट हम लगाएंगे जो और उसके अलावा सालाना पार्लियामेंट में बजट अलग से लगता है, क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं हम बताएं। पहले कोई चूहों की कमी तो नहीं थी जो वहाँ पे बैठते थे जो अब चूहे वहाँ पे आ गए हैं और जंगली बिल्लियाँ भी वहाँ पर ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। जो वो फीमेल है जब वो आपस में बोलते हैं और पार्लियामेंट का जो हाल करते हैं ना, वो मेरे ख्याल हम सब ने लाइव भी देखा हुआ है। तो अच्छा, अगर कागज पेपर उतर गए हैं तो मेरे ख्याल अचानक तो नहीं चूहे कहीं से आ सकते। 2008 से ही पार्लियामेंट के अंदर चूहे मौजूद है और पार्लियामेंट पर सालाना बजट बहुत ज्यादा लगता है 2008 से और अब 2024 है, लेकिन चूहे नहीं खत्म हुए। 2021 में बताया गया था कि 50,000 पार्लियामेंट के अंदर चूहे हैं, लेकिन अब वही तादाद 1 लाख प्लस हो गई है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है चूहे खुद ही छोड़े हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उतर जाते हैं ताकि कोई इनको पूछने वाला ना रहे। तो मेरा ख्याल है कि चूहों को नहीं, चूहे छोड़ने वाले को पकड़ना चाहिए ताकि ये जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनके बिहाफ पे हम इनको कुछ पूछ सकते हैं ना, वो बच जाएं। ये बताएगा 2008 और 2024 इसमें लगभग 16 से 17 साल बनते हैं ना, तो मुझे आप ये बताएगा कि अभी पार्लियामेंट के अंदर जंगली बिल्लियाँ छोड़ी जाएंगी, मशहूर फेमस पिंजरे मंगवाए जाएंगे, ये बताएं कि जंगली बिल्लियाँ जो हैं वो चूहों को पकड़ने के लिए खाने के लिए छोड़े हैं, फिर जंगली बिल्लियाँ वहाँ हो जाएंगी, जंगली बिल्लियों को खाने के लिए क्या शेरों को लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर? वैसे पॉइंट तो आपने सही रेज किया कि फिर जंगली बिल्लियों का क्या हाल होना चाहिए। वैसे मेरे पास सिर्फ एक हाल है उन डॉक्यूमेंट्स को बचाने का कि आप उन्हें किसी सेफ जगह पे सेव कर दिया जाए, बजाय इसके कि अपने बजट को जो ऑलरेडी हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और बुरे हालात हैं वहाँ पर चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ और फिर बिल्लियों को मारने के लिए शेर, और शेर तो फिर जंगल राज होता है मेरा ख्याल है, तो ये फिर जंगल ही बन जाएगा। पार्लियामेंट का ये हाल होगा तो फिर बाकी शहरों का और मुल्क का क्या हाल होगा, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं कुतर रहे बल्कि लोगों को भी खा रहे हैं, उंगली खा गए एक पार्लियामेंट के मेंबर की, क्या कहते हो ये सफाई का नाकिस निज़ाम है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजह क्या है बताएं? क्या पार्लियामेंट के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के अलावा चूहे बिल्ली टॉम एंड जेरी देखेंगे अब? देखिए मेरा ख्याल है कि बड़े सारे इश्यूज हैं इसमें, ये मजाक में एक सीरियस टॉपिक आप जो है कवर कर रही हैं ना। देखें सबसे पहले कि जो हमारी पार्लियामेंट का वो तबका, वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जब वो जहाँ बैठ रहे हैं उनकी सीटिंग में इतना हफ्जाने सेहत का और हाइजेनिक इश्यूज हैं, वहाँ पे ये हालात हैं कि गंदगी की वजह से चूहे आ गए हैं और वो चूहों की वजह से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला बहाना है वो भी 16 से 17 साल हो गए हैं ये चूहों का मसला हल नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में तो फिर चूहा राज हुआ ना तो मेरा ख्याल है कि इस मसले, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको मसला बनाया हुआ है, हम चूहे नहीं मार पा रहे तो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे हम, आप सोचे। 12 लाख का बजट भी दिया है कि चूहे मारने के लिए 12 लाख का बजट हम लगाएंगे जो और उसके अलावा सालाना पार्लियामेंट में बजट अलग से लगता है, क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं हम बताएं? नहीं वैसे अफसोस की बात है, वो 12 लाख रुपया जो आप उधर लगा रहे हैं सिर्फ चूहे मारने करने के लिए, तो मेरे ख्याल है कि और बड़े सारे अवाम बैठे रो रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए। तो मेरा ख्याल है कि चूहों की बजाय उन पर तवज्जो दें, वो बेचारे जो है ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मामूली चीज़ों के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरी आपके तवसुस से इन लोगों से अपील है कि अपनी आवाम को देखें, अपनी आवाम की तरफ तवज्जो दें, ना कि ऐसी छोटी छोटी बातें जिन्हें कोई भी मैनेज कर सकता है, किसी आप ये कचरा साफ करने वाले होते हैं ना उन्हें आप ये टारगेट दे दें, मेरे ख्याल है 2-3 दिन में आपको ना वो बड़े लो बजट में ना इनका खात्मा कर देंगे। ये देयर इज़ नो टॉपिक इशू के जिसको हम डिस्कस करें और जिसको हम पॉइंट या आर्ग्यू बना के बड़े सारे मामला इसके पीछे रद्दोबदल किए जाएँ, मेरे लिए तो ये बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक खबर है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।